वेलकम बैक दोस्तों, मैं रोहित मेहता आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल के ऊपर। आज हम लोग देखने वाले हैं क्रेटा 2017 का एक बेहतरीन मॉडिफिकेशन आप लोग के सामने है, जो मॉन्स्टर एडिशन हम काफ़ी गाड़ियों में देखते हैं मारुति की। सो क्रेटा के ऊपर मॉन्स्टर एडिशन थीम का आज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग कि किस तरीके से क्रेटा जनरेशन 2 फेसलिफ्ट वाली जो हमारी है उसका लुक हमने अपग्रेड किया हुआ है विद द मॉन्स्टर प्रोजेक्टर्स। जो हेडलाइट थी कंपनी की ही आती हैं, बेस मॉडल ई मॉडल की स्टॉक हेडलैम्प में ये आफ्टर मार्केट प्रोजेक्टर्स हमने लगाए हुए हैं विथ अ रेड नियॉन रिंग। इसका नाइट लुक भी हम लोग आगे चल के देखेंगे विथ अ ऑनिक्स DRL, अ ट्यूब ऑफ LED जो अंदर से लगती है। कितने ब्यूटीफुल तरीके से आगे की हेडलाइट का लुक एक डेविल शेप में आ जाता है आपके सामने है। आगे की जो कंपनी की ग्रिल आती है उसमें क्रोमिंग का वर्क आपने काफ़ी देखा होगा, उसी ग्रिल को हमने फुल पियानो ब्लैक में कोट किया हुआ है। सो वाइट कार के ऊपर पियानो ब्लैक ग्रिल विद द डिफ्यूज़र जो उसके अंदर हमने लगाया हुआ है, ब्लैक विथ वाइट। ये एक्चुअली आते थे सिल्वर, ब्लैक एंड सिल्वर, बट इसको बॉडी कलर वाइट का हमने लोअर स्कर्ट को लुक दिया है थोड़ी सी क्रोमिंग के हाइलाइट्स के साथ। फॉग लैम्प्स के साथ इस गाड़ी का फ्रंट लुक देख सकते हैं जिसके अंदर हमने ग्रिल चेंज की है, हेडलाइट को एक अलग लुक दिया है, डिफ्यूज़र्स हमने लगाए हुए हैं, फॉग लैम्प्स हमने लगाई हुई है। गेटअप आप लोग के सामने है कि किस तरीके से है। साइड प्रोफाइल लुक ऑफ द कार में आते हैं। ये कार के अंदर हमने नियो के अलॉय व्हील्स लगाए हुए हैं जो 16 इंच के आते हैं, टायर कंपनी का ही है। सो एक रेगुलर व्हील कैप्स लगे हुए थे बट उसको अपग्रेड करके अलॉयज़ का लुक हमने दिया हुआ है। डोर वाइजर्स हमने लगाए हुए हैं वाइट गाड़ी के ऊपर, ब्लैक रूफ करके क्रोम डोर वाइजर्स आते हैं जो ऑटोक्लोवर ब्रांड के मेड इन कोरिया के। रूफ रेल्स हमने लगाई हुई है जो थोड़े से ब्लैक पैनलिंग करने के बाद किस तरीके से ये गाड़ी का गेटअप आ रहा है आप लोग के सामने है। सो वाइट ब्लैक एंड क्रोम से साइड प्रोफाइल का हमारा लुक है। ये जो रूफ रेल्स भी आती हैं इसको हमने सिल्वर एंड ब्लैक साइड का जो थीम है हमारा उसके अकॉर्डिंग ये किया हुआ है। क्रोमिंग का थोड़ा सा वर्क है गाड़ी के अंदर, हैंडल एंड इनर केसिंग जो बाउल्स आते हैं कि जिसपे स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़ने चाहिए। सो एक डोर वाइज़र जो शार्प एज टर्न के साथ आते हैं, लुक आप लोग के सामने है। साइड रियर लुक, पीछे का जो हमारा लुक आता है, द BMW स्टाइल टेल लाइट्स हैव बीन इंस्टॉल्ड इन द कार। जो टेल लाइट्स ये गाड़ी के अंदर हमने लगाई हुई है मेड इन ताइवान की आती है, आफ्टर मार्केट टेल लैम्प है जो रेगुलर जो हमारी टेल लाइट्स आती हैं और रिप्लेस होके ये लगती हैं। डिफ्यूज़र्स पीछे का भी आप लोग देख सकते हैं कि एक मस्क्यूलर लुक विथ दो एग्जॉस्ट के साथ एंड चार ब्लॉक्स के साथ, बट ब्लैक एंड वाइट फिनिश में हमने लगाया है। रेगुलर डिफ्यूज़र्स आप लोग ने ब्लैक एंड सिल्वर ही देखे होंगे बट ये कार पे बॉडी कलर डिफ्यूज़र्स के साथ, LED टेल लाइट के साथ। देखने वाली जो बात है, एक वॉक अराउंड देख सकते हैं आप लोग, जो प्रीमियम इंटीरियर ये गाड़ी के अंदर हमने लॉन्च किया हुआ है। जस्ट सी द वॉक अराउंड ऑफ द इंटीरियर, किस तरीके से एक लाउंज इंटीरियर हमने क्रेटा के अंदर किया हुआ है विद द सीट कवर्स ऑफ द टॉप गियर ब्रांड जो अल्ट्रा सॉफ्ट अल्ट्रा कंफर्ट सीरीज के आते हैं। एलमंड कलर के अंदर कंप्लीट इंटीरियर हमने किया है। इसकी इंडिविजुअल आप लोग को अगर मैं डिटेल देना चाहूँ, सो इंडिविजुअल डिटेल्स के साथ स्टार्ट करते हुए देख सकते हैं कि जो कंप्लीट हमारी AC की ग्रिल्स आती थी, जो डैशबोर्ड हमारा आता था रेगुलर ग्रे कलर का, बेज कलर का, उस डैशबोर्ड को हमने एलमंड कलर का सॉफ्ट पील पेंट किया हुआ है। यस, कहीं पे हमने लेदर वर्क यूज़ किया हुआ है, कहीं पे पेंटिंग का वर्क है। AC की भी जो ग्रिल्स आती थी ये रेगुलर सिल्वर आती थी, उन AC की ग्रिल्स को पियानो ब्लैक ग्लॉस ब्लैक में हमने कोट किया है। जो टच स्क्रीन के यहाँ की AC की ग्रिल्स हैं म्यूज़िक सिस्टम के फ्रेम के साथ, वो भी पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर कोटेड है। सो एलमंड एंड पियानो ब्लैक कलर की टचेस के साथ, जो स्टेयरिंग के इधर का भी डी कट आता है नीचे का, उस कट को भी ये आप लोग देख सकते हैं वी शेप कट को भी पियानो ब्लैक हमने। सो द डैशबोर्ड विच इज़ कोटेड इन द एलमंड कलर, एक फिनिशिंग देख सकते हैं। जो गियर के इधर का भी हमारा ये पैनल आता है, जो बाउंड्री आती है, उस बाउंड्री को हमने पियानो ब्लैक में कोट किया हुआ है। जो हमारे होल्डिंग हैंडल्स आते हैं उन हैंडल्स को भी हमने एलमंड कलर में रैप किया हुआ है। जो हमारे दरवाजे हैं उनको दो सेक्शंस में है, ऊपर का पार्ट जो है ये उसमें हमने लेदर लगाया हुआ है, तो जहाँ पे लेदर है उसकी भी थोड़ी सी आपको माइन्यूट डिफरेंस कलर में दिखेगा कि थोड़ा सा लेदर वर्क, थोड़ा सा पेंट वर्क,
थोड़ा सा हाइड्रो डिपिंग वर्क, जो दरवाजे पूरे काले थे अभी दो कलर में डिवाइड हो जाते हैं. सो ब्लैक एंड एलमंड टोन विद द पियानो ब्लैक टचेस के साथ, जस्ट सी द वॉक अराउंड ऑफ द इंटीरियर ऑफ द ह्युंडई क्रेटा 2017-18 के जो हमारे मॉडल आते हैं. सीट कवर्स टॉप गियर ब्रांड के हैं, ऑल टाइम फेवरेट, जो एक्स्ट्रा सॉफ्ट है, अल्ट्रा कुशनड है, बैक सपोर्ट में आपको पेन नहीं करते हैं, एंड जो फोमिंग इनके अंदर आ जाती है, एक सीट की जो कैपेबिलिटी है, लॉन्ग लास्टिंग लाइफ बढ़ जाती है इनकी सीट्स की. जो पिलर्स आते हैं साइड के, पिलर नंबर ए, द सेंटर पिलर बी एंड द लास्ट पिलर सी, ऑल द सिक्स पिलर्स को भी हमने हाइड्रोकोट किया हुआ है, सॉफ्ट फील पेंट किया हुआ है एलमंड कलर के अंदर. लेदरिंग का भी आप लोग के पास ऑप्शन है अगर आपको पेंट नहीं करना है, बट पेंट ड्यूरेबल है. जो रूफ आती है ऊपर की, द कंप्लीट रूफ हैज़ बीन कोटेड विथ अ स्वेड वेलवेट, जो ब्राउन कलर का कॉफ़ी कलर का वेलवेट हमने कोट किया है रूफ के ऊपर, देख सकते हैं आप लोग. एंड माइन्यूट टचेस, जो होल्डिंग हैंडल्स हैं जो आप पकड़ते हैं ऊपर, उन हैंडल्स को भी एलमंड कलर में हमने किया हुआ है. सो एक वन व्यू में वॉक अराउंड देख सकते हैं कि एम्बियंस लाइट के साथ जो हमने दरवाज़ों में लाइट या ग्रूव्स में से थोड़ी सी लाइट्स, थोड़ा सा लेदर वर्क, एक एक पीछे के दरवाजे की पैनल की फिनिशिंग आप लोग देख सकते हैं. डोम लाइट्स, जो कप होल्डर का हमारा सेक्शन है उसमें किस तरीके से लाइट्स हमने इंटीग्रेट की हुई है, जो वहाँ पे बॉटल आप रखते हैं वो सेक्शन भी येलो लाइट, जो हमारे थीम से मैचिंग है. एम्बियंस लाइट, जो एक स्ट्रॉ ऑफ LED है, जो चारों दरवाजे एंड डैशबोर्ड में इंटीग्रेट की हुई है, एक एक चीज़ का सिग्निफिकेंस लुक. एंड एक क्रेटा गाड़ी के अंदर इंटीरियर इस तरीके का करने से डेफिनेटली एक अंदर से लग्जरी कार का लुक आ जाता है, जो हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट था, जो हमारे माइंड में थीम था, वो हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है. फ्लोर मैट्स भी जो नीचे की आती है पाँव रखने वाली, टॉप गियर ब्रांड की ही एलमंड कलर की हनीकॉम्ब्स हमने लगाई है. इल्यूमिनेटेड फुटस्टेप, दरवाज़ा जैसे ही खुलते हैं क्रेटा नाम, गियर के ऊपर का नॉब, आर्मरेस्ट के ऊपर का क्लॉथ, स्टेयरिंग ऑफ द कार हैज़ बीन लेदर हैंड स्टिच्ड इन द एलमंड कलर. स्टेयरिंग कवर वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, स्टेयरिंग को पूरी गाड़ी से बाहर निकाल के एलमंड कलर में हमने हैंड स्टिच किया हुआ है. एंड्रॉयड म्यूजिक सिस्टम भी ये गाड़ी के अंदर हमने लगाया हुआ है, जो 10 इंच की एक स्क्रीन आती है टैबलेट टाइप, जिसमें आपको एंड्रॉयड के सभी फीचर्स यानी कि प्ले स्टोर, गूगल मैप्स, हर चीज़ का एक ऑप्शन मिल जाता है. सो एक कंप्लीट क्रेटा की मॉडिफिकेशन देख सकते हैं. सो ये तो हो गई दिन की बात कि दिन में गाड़ी कैसी दिख रही है, इसका रात का नाइट मोड भी हम लोग देखेंगे आगे चल के. सो स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स. नाइट लुक ऑफ द कार में आते हैं, जो प्रोजेक्टर्स हमने लगाए हुए हैं, जो DRL हमने लगाई हुई है, क्रेटा मॉन्स्टर एडिशन, थोड़ा सा बारिश का टाइम है, बट लुक आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रोजेक्टर की फोकस एंड रोशनी कितनी है, नाइट के टाइम पे भी, अंधेरे के टाइम पे भी, किस तरीके से ये रोड को कवर करते हैं, जो मॉन्स्टर प्रोजेक्टर्स आते हैं, इमेंस लाइट ऑन द रोड जो हमको मिल जाती है इनके साथ, जो एम्बियंस लाइट भी हमने लगाई हुई है दरवाज़ों के ऊपर, जो ये स्लिम स्ट्रॉ टाइप लाइट आप लोग देख सकते हैं कैसी है, जो एक एक पैनल पे एम्बियंस लाइट का गेटअप है आप लोग के सामने है. द डैशबोर्ड, द फोर डोर्स, द बॉटल होल्डर, द फुट लाइट जहाँ पे आप पाँव रखते हैं, हर वो सेक्शन लाइट से इल्यूमिनेटेड है. एक लग्जरी कार, एक प्रीमियम कार का लुक हमको मिल जाता है क्रेटा के अंदर, जो लाइट्स का सेटअप हमने किया है, जो वेलकम प्लेट्स नीचे की तरफ हमने लगाई हुई है, जो टेल लाइट्स हैं पीछे की तरफ, जो हमारी BMW स्टाइल आती है, ईच एंड एवरी थिंग का गेटअप आप लोग के सामने है. सो मॉन्स्टर हेडलाइट. सो फाइनल ओवर रिव्यू ऑफ द क्रेटा मॉन्स्टर एडिशन जो हम लोग ने देखा है. सो ओनर का भी रिव्यू हम लोग देखेंगे कि कैसे उनको गाड़ी लगी है. सो विनायक जी भी है हमारे साथ, ओनर ऑफ द कार, जो व्हाइट क्रेटा फर्स्ट मॉन्स्टर एडिशन आज हमने चालू किया है, कि किस तरीके से एक लग्जरी इंटीरियर हमने क्रेटा में किया हुआ है. 2017 की ये गाड़ी है, 4 साल पुरानी है, 2 साल ही पुरानी गाड़ी है. सर ने एक यूज्ड कार ली हुई है, जालना से आए हुए हैं गाड़ी का काम कराने के लिए. सो हम आपका वेलकम करते हैं सर शॉप पे. फर्स्ट ऑफ ऑल इनके सभी फ्रेंड्स हैं, किस तरीके से जो एक इंटीरियर एक दिन के अंदर हमने किया हुआ है, और क्या बोलेंगे दो शब्द जो आपले व्यूअर आए जे बघता आहे कशी काय गाड़ी वाटते आणि काय सांगू. चलो आम्ही गाड़ी तो घेऊन आलो होतो तुमच्याकडे सेकंड, परंतु ज्यावेळेस तुमचं पूर्ण काम झालं त्याच्यानंतर असं तो कोणत्याच अँगलला जरी पाहिली जरी आपण गाडी तरी ती जुनी कोणत्याच पद्धतीने वाटत नाही.
एवढं तुम्ही मन लावून त्याच्यामध्ये काम केले आणि त्या कामाची तारीफ शब्दामध्ये करणं सुद्धा आम्हाला शक्य नाही, त्याच्या पलीकडे तुमचं काम झालेलं आहे, त्याच्यामुळे खरंच आम्ही ती गाडी बघून फार आनंदी झालेलो आहेत आणि मनासारखं काम झाल्यामुळे एकदम खुश आहेत आम्ही. आणि विशेष म्हणजे हे तर तुमचं कामाचं झालं, याच्या व्यतिरिक्त तुमच्या घरच्या फॅमिलींना आईनं तर आमची सुद्धा जेवणाची नाश्त्याची सुद्धा चहाची व्यवस्था एवढी चांगली केली की आम्ही इतक्या लांब आलो बाहेर हे असं आम्हाला वाटलं सुद्धा नाही की आम्ही बाहेर आलो, घरचं जेवण आम्हाला भेटलं त्याच्यामुळे आम्ही एकदम मनासारखं झालेलं आहे काम. लक्झरी लुक इंटिरियर मध्ये आलेलं आहे, लक्झरी लक्झरी एक एक वस्तू जे कुठे कोटिंग केली कुठे लेदर लावलेलं आहे हर एक वस्तूचा आपला वेगळं महत्व झालेलं आहे. बरोबर आहे की नाही? मला धन्यवाद करणार तुम्हाला. ओके सर, सो लाईक करिये व्हिडिओ को, लाईक वगैरे करायला पाहिजे, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा. थँक्यू.